नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। '76 की सुपरहिट फिल्म लैला मजनू तो आपने देखी ही होगी, और इस फिल्म में खूबसूरत लैला का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को शायद आज के समय में लोग भूल चुके हैं। इनका नाम है रंजीता कौर। ये भी 70 और 80 के दशक में पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक थीं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अभिनेत्री रंजीता कौर के बारे में। इनका जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब के पटियाला शहर में एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम निरंजन सिंह, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे, वहीं इनकी माता हरवंश कौर, जो कि एक हाउसवाइफ थीं। जब रंजीता शिमला के कॉन्वेंट स्कूल से अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थीं, तभी इन्होंने अभिनेत्री वैजंती माला की एक फिल्म देखी। उस फिल्म से रंजीता इतनी प्रभावित हुईं कि इन्होंने उसी दिन से एक्टिंग को अपने करियर के तौर पर बनाने की ठान ली। और अपने 10th की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद ये एक्टिंग का प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंच गई पुणे के चर्चित स्कूल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। अभी इनका प्रशिक्षण चल ही रहा था कि इन्हें 1976 में फिल्म मिली लैला मजनू। इस फिल्म में इन्होंने लैला का किरदार निभाया था। वहीं इनके मजनू थे ऋषि कपूर। जिद ना करो कैस, लैला चले जाओ। नहीं नहीं लैला नहीं, तुम्हें जाना होगा कैस, वरना तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम ये शहर छोड़कर नहीं गए तो मरी हुई लैला का मुंह देखो। लैला, मुझ पर ये सितम न ढाओ लैला, अपनी कसम वापस लो लैला। रंजीता के करियर की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अपने सौम्य चेहरे और गहरे इमोशन की बदौलत इन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों से ही दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। 1978 की फिल्म आँखियों के झरोकों से रंजीता की बेमिसाल फिल्मों में से एक चुनिंदा फिल्म रही। '78 में रंजीता की आंखियों के झरोखों के साथ साथ एक दूसरी फिल्म आई थी जिसका नाम है पति पत्नी और बो। फिल्म आंखियों के झरोखों से इस फिल्म में इनके साथ नजर आए सचिन, और फिल्म पति पत्नी और बो में इनके साथ थे हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता संजीव कुमार। इन दोनों ही फिल्मों के लिए रंजीता को क्रमशः बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। हिंदी फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस राजश्री प्रोडक्शन के साथ रंजीता जी की निकटता कुछ ज़्यादा ही थी। आँखियों के झरोखों से, तराना इत्यादि फिल्मों के साथ इनकी ये निकटता जारी रही। दोस्तों, रंजीता ने अपने दौर के जाने माने स्टार्स के साथ काम किया, जिनमें अमोल पालेकर, विनोद मेहरा, राजकिरण, दीपक पाराशर, राज बब्बर, संजीव कुमार इत्यादि के साथ इनकी ट्यूनिंग काफी बेहतरीन रही। अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्ते पे सत्ता तो आपने देखी ही होगी, इस फिल्म में भी रंजीता ने एक अहम किरदार निभाया है। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दीं, लेकिन यह सच है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ रंजीता की जोड़ी खूब जमी। इन दोनों की फिल्म सुरक्षा में रंजीता द्वारा निभाया गया प्रिया का किरदार तो आपको याद ही होगा। रंजीता मिथुन चक्रवर्ती के साथ और भी फिल्मों में नजर आई, जिनमें हमसे बढ़कर कौन, आदत से मजबूर, सुन सजना, ख्वाब, वाजी और 1990 में बनी फिल्म गुनाहों का देवता, जो कि रंजीता जी की वो फिल्म थी जिसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। हाँ, मैं तुम्हारी हर मुलाकात मेरे लिए पहली बनती गई, लेकिन आज की मुलाकात आखिरी मुलाकात है। मैं समझा नहीं। वही समझाने आई हूँ, तुम एक खूनी हो, दरिंदे हो। अपनी जान बचाने के लिए अगर किसी का खून करना। डॉक्टर वर्मा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? 1990 में फिल्मों से अलग होने के बाद रंजीता ने 18 वर्षों के बाद अपने को स्टार रहे मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म जिंदगी तेरे नाम की शूटिंग पूरी की सन 2008 में। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई सन 2012 में। इसके बाद रंजीता ने टेलीविजन की तरफ रुख किया और कुछ दिनों तक धारावाहिकों में भी नजर आई। उसके बाद रंजीता ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरियां बना ली। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनकी शादी हुई राज मसंत के साथ। इस शादी से इनका एक बेटा स्काई है। आज के समय में रंजीता अपने पति और अपने बेटे के साथ अमेरिका के वर्जीनिया में रहती हैं और पूरी तरह से परिवार को समर्पित भी हो चुकी हैं। दोस्तों, रंजीता और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जितना भी साथ रहा यादगार रहा, और इनकी फिल्में हम जब कभी भी देखेंगे तो उनकी यादें हमारे दिलों में और भी गहरी हो जाएंगी। तो आज का ये वीडियो रहा जानी मानी अभिनेत्री रंजीता कौर पर।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने। धन्यवाद।